हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करने वाले हैं जो कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ETF के रिगार्डिंग है। और बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि जो इस ETF का इन्फो कुछ टाइम पहले आया हुआ था मार्केट में, तो क्या ये ETF लिस्ट हो गया है या फिर नहीं। तो सारा कुछ हम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग के लिए अपडेट देना चाहेंगे कि आज के दिन यानी मंगलवार 20 अगस्त के दिन ये मेटल ETF मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल गया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह है जिरोधा काइट की वेबसाइट और आप यहां इस ETF को लाइव होते हुए देखने को देख सकते हैं। और आज के दिन 20 अगस्त के दिन ये ETF मार्केट में लिस्ट हो चुका है और इस ETF का अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस है ₹9.18, जो कि आप यहां साइड में देख सकते हैं। और इस ETF का जो कोड होने वाला है वो आप यहां पढ़ सकते हैं, ये साइड में आप यहां देख सकते हैं, मेटल IETF इस ETF का कोड होने वाला है। तो आपका जहां भी डीमैट अकाउंट है, इस कोड को डालेंगे तो आपको ये ETF मिल जाएगा। आप ध्यान से इस ETF का कोड नोट कर लीजिएगा। और ये मार्केट में पहला ऐसा ETF है जो कि मेटल इंडेक्स को कवर करेगा, तो ये उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा ETF निकल के आ रहा है जो लोग मेटल इंडेक्स को कवर करना चाहते हैं ETF के थ्रू। खैर, अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा ETF अवेलेबल नहीं था जिसके थ्रू आप मेटल इंडेक्स को कवर कर पाते। और बताना चाहेंगे कि ग्रो के प्लेटफॉर्म पर अभी फ़िलहाल ये ETF देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि इसका ETF कोड वगैरह तो शो हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी आपको चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मे बी कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी आपको ये ETF शो होने लगेगा, पर अभी के टाइम पर ग्रो के प्लेटफॉर्म पर ये ETF अभी शो नहीं हो रहा है। हम आपको कोड डालकर भी दिखा देते हैं। तो अभी के टाइम पर ये ETF यहाँ पर कोड वगैरह तो शो हो रहा है, पर चार्ट अभी शो नहीं हो रहा है इस ETF का। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भी अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो मे बी कुछ टाइम बाद आपको यहाँ भी शो करने लगेगा। और आपके साथ एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी इस ETF में अप्लाई किया था, अगर उन्हें इस ETF में अलॉटमेंट मिल गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ETF में जो आपने अप्लाई किया था तो उसमें आपको अलॉटमेंट किस प्राइस पे मिला था, ताकि अदर व्यूवर्स को भी पता चले कि ये यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिला है या फिर नहीं। हम आपका जो भी कमेंट होगा हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे, जिससे अदर व्यूवर्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और पता चल सके कि इस ETF का जो अलॉटमेंट प्राइस था वो क्या था। और लिस्टिंग प्राइस तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, तकरीबन ₹9.18 के आसपास इस समय चल रहा है, और यही लिस्टिंग प्राइस भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं ₹9.15 के आसपास। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी बताना चाहेंगे, ये मेटल इंडेक्स को कवर करता है और मेटल इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक आते हैं आप यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। इस इंडेक्स में 15 स्टॉक आते हैं और स्टॉक का पोर्टफोलियो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे बड़ा वेटेज है टाटा स्टील का 20%, फिर हिंदालको का 14%, JSW स्टील का 13%, अडानी इंटरप्राइजेस 12%, वेदांता 11%, जिंदल स्टील का 5%, NMDC 4%, APL अपोलो ट्यूब्स का 3%, जिंदल स्टेनलेस स्टील का 3.5%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3.25%। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं क्या कुछ वेटेज है। तो इस ETF में अगर आप निवेश करते हैं तो मेटल सेक्टर में और माइनिंग सेक्टर में एक तरह आप निवेश कर पाएंगे। इसमें माइनिंग इंडस्ट्री के भी स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सेक्टोरियल बेसिस पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। निफ्टी मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया है बीते एक साल में, और आप यहाँ देख सकते हैं एक साल में 42% के रिटर्न बने हैं मेटल इंडेक्स में, और बीते 5 साल का जो औसत CAGR है वो 31% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और ये निफ्टी मेटल टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये ETF कवर करने वाला है। तो इसके थ्रू अब आप मेटल इंडेक्स को भी कवर कर पाएंगे। तो खैर, अभी मार्केट में ये जस्ट आज लिस्ट हुआ है, तो इस ETF में निवेश करने से पहले अभी आप कुछ दिन पहले रुक जाइए, 2-4-5 दिन आप पहले इस ETF में देख लीजिए कि कितना वॉल्यूम वगैरह आ रहा है। अगर इसमें वॉल्यूम वगैरह ठीक ठाक जनरेट हो रहा है तो आप आने वाले कुछ दिनों बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसको वॉच करिए जस्ट, और इसमें वॉल्यूम वगैरह चेक करिए। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।